नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई वैकेंसी का आगाज हो गया है, इसके अधियाचन लिए जा रहे हैं और ये वैकेंसी आपके सामने कभी भी आ सकती है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी में कभी भी का मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है, ये बात मैच्योरिटी के साथ आप लोग समझते हैं और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं कि जब आपके सामने कोई वैकेंसीज आती है तो आपको ये बात पता लग जाता है कि भैया ये यूपी ट्रिपल एससी है और ये इतना आसानी से नहीं कराएगी। और ये बात मैच्योरिटी की नहीं है, ये बात है यूपी ट्रिपल एससी के सुस्त होने के, आप जो उनके आदत से वाकिफ हो और उस आदत के बिहा पे आप बोलते हो कि नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ कंफर्म है कि इस वैकेंसी दोबारा आ रही है और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी भी आपको होना जरूरी होता है। रही बात अगर हम वीडियो बीपीओ की बात करें तो वीपीओ की इससे पहले वैकेंसी अभी चल ही रही है, उसका एग्जाम नहीं हुआ है और ये नई वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नई भर्ती ये वीडियो समाज कल्याण सुपरवाइजर की है, हालांकि इसे बड़े लेवल पर नाम जाना जाता है। वीडियो अगर वर्ष 2018 की बात किया जाए तो सबसे पहले ये जो हाईलाइटेड वैकेंसी हुई थी वीडियो के नाम से हुई थी, लेकिन उस बार भी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कि अधियाचन है उस बार भी मैं आपको जानकारी बता दूं कि जब 2018 में लगभग आपकी वैकेंसी आई थी बीपीओ की और उस समय 1953 पद थे जिसमें वीपीओ के जो अभी ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसका वर्तमान में लगभग 1468 पदों पे अभी बोल सकते हो कि विज्ञापन निकाला जा चुका था और इस पे अभी कोई भी परीक्षा की तिथि नहीं घोषित की गई है, उसमें बात किया जाए तो वही वीपीओ का पद 1953 वाले में 1527 था। बीडीओ के 362 थे जिसे हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं और ये ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वीपीओ। दोनों के जॉब प्रोफाइल कैडर लगभग सेम रहता है, सबका ग्रेड पे सब कुछ सेम ही रहता है और उसमें थोड़ा सा अलग हटके होता है समाज कल्याण पर्यवेक्षक, जिसके 64 पद और ही यहां पे पिछली बार आए थे। तो ये वैकेंसी एक बार दोबारा चर्चा में आई है, दोबारा इनके अधियाचन लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी निकलती है तो उससे पहले की प्रक्रिया होती है कि तमाम विभागों में, तमाम जनपद लेवल पे, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने कुल पद सृजित हैं, उनमें से कितने कार्य करने वाले हैं और कितनी सीटें क्या हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, इसकी जानकारी ली जाती है। वैसे ही अभी एक यहां पे आप लोग देखे होंगे तो ये आपके सामने आ रहा है और इसमें ये 28 अगस्त 2024 का है, अभी आज ही का है। समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश इनको प्रेषित किया गया है। विषय क्या है, समाज विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण सुपरवाइजर संवर्ग के अधिष्ठानों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। और इन्होंने क्या बोला है कि 31/8/2024 तक आप हमें ईमेल के माध्यम से ये जानकारी दे दीजिए कि भाई आपके आपके ब्लॉक में कितने स्वीकृत पद हैं और उस ब्लॉक में कर्मचारी का नाम क्या है और कितने पद भरे हुए हैं और इस हिसाब से कितने पद रिक्त हैं ये आप बता दो। तो एक बार रिक्त पदों का ब्यौरा मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम और समाज कल्याण पर्यवेक्षक का। तो उस हिसाब से लगभग वैकेंसीज आपके सामने असेस्ट होके, जो वैकेंसी का असेसमेंट होता है वो आपके सामने आ जाएगा और वहां से आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो रही बात की वैकेंसी कब तक आएगी, इसमें कितने ज्यादा पद होंगे, क्या इनका सिलेबस पैटर्न होगा, क्या इनका एज क्राइटेरिया होगा, सबसे बड़ी बात ही आती है। तो एक चीज समझिएगा कि ये वैकेंसी जो होती है ये 12वीं स्तर की वैकेंसी होती है, 12वीं पास इसमें मांगता है, पीटी के आधार पे होगा। लेकिन पीटी कौन सा लेगा, क्या वर्ष 2023, वर्ष 2023 का पीटी किसी कीमत पर नहीं लेगा, क्योंकि अभी से पहले मैंने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी की जो अध्यक्ष की मीटिंग थी माननीय योगी जी के साथ और उनमें बताया गया था कि अब जो नई वैकेंसियां हैं उसमें बीसीजी टेक्नीशियन होम्योपैथिक फिजिक की बात किया गया था, जो आ चुका था एएनएम के लगभग 4700 के आसपास, एएनएम की भर्ती अभी नेक्स्ट भर्ती जल्द से जल्द आने वाली है और लेखपाल की एक नई वैकेंसी 4700 के आसपास लेखपाल की आने वाली है। तो ये दो वैकेंसियां आपकी 2023 से आएंगी। इसके अतिरिक्त जो टेक्निकल कैडर के थे तो टेक्निकल कैडर में जेई सिविल की वैकेंसियां आपने पीटी 2023 से देखने को मिली है। अब रही बात पीटी 2023 से, तो हो सकता है कि कुछ जूनियर असिस्टेंट के पद आ जाएं, इनके बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन हो सकता है कि पद की संख्या बहुत कम रहे तो ना भी निकालें, यह भी माना जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ कहीं ना कहीं बाकी चीजें इनकी पेंडिंग पड़ी हुई है जूनियर असिस्टेंट वाली, यह बात आपको 5512 वाले से पता होगी। अब रही बात तो कब जाएगा यह 2024 पीटी से जाएगा, 2024 पीटी सबसे पहले तो पीटी हो जाए, यही बहुत बड़ा एक
प्रश्न बना हुआ है कि पीटी कब होगा, क्योंकि अगस्त लग गया है, अब अगस्त खत्म समाप्त हो रहा है, सितंबर आपका एक दो दिन में लग जाएगा और सितंबर महीने में ही आपको पीटी की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो सितंबर में पीटी लेंगे, उसके बाद ये लोग जनवरी फरवरी से नए जो वैकेंसीज हैं इनका असेसमेंट करते हुए और जनवरी फरवरी में नए पद आपके आने लगेंगे, जिसमें आपको लोअर पीसीएस के पद देखने को मिल सकते हैं, आपको वीडियो के पद देखने को मिल सकते हैं और आपको समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद भी यहां पे देखने को मिल सकते हैं। ये बात आप समझते हुए चलिएगा। तो ये आपके पीटी 2024 से होंगे और लगभग कितने पद आने के अनुमानित हैं, तो अभी इसका आंकड़ा तो तभी पता चल पाएगा जब कितने रिक्त पद आपका पता चलेगा। तो ये तो अभी अधियाचन, ये तो अभी निदेशालय के पास ही नहीं है, अभी समाज कल्याण निदेशालय के पास नहीं है कि कितने रिक्त पद हैं, तो अभी बाकी किसी के पास तो ये जानकारी नहीं होगी कि कितने रिक्त पद हैं। तो जितने रिक्त पद होंगे उन पे वैकेंसीज निकाली जाएंगी, इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। और इनकी रही बात कि अगर पीटी कट ऑफ वगैरह ये सब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछने लगते हैं, तो पहले पीटी हो जाने दीजिए, उसका स्तर कैसा रहता है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, इस पे डिपेंड करेगा पीटी का कट ऑफ। टोटल पोस्ट भी मैंने आपको बता दिया किस पे डिपेंड करेगा, एक बार रिक्त पदों का जब ब्यौरा मिल जाएगा तो हम ये बता देंगे आपको। एग्जाम पैटर्न, हाँ ये प्रश्न है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न अप्रोक्सीमेटली जो आपका बीपीओ वाला इस समय चल रहा है, जिसमें हिंदी है, कंप्यूटर है 35 नंबर में और 65 नंबर में आपका क्या है, जो स्पेशल आपका ग्राम समाज से ही चीजें पूछ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से, वही आपका क्या होगा, वही आपका सिलेबस रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 1/4 निगेटिव रहेगा, एग्जाम पैटर्न वही आपका रहेगा। एलिजिबिलिटी का रहेगी, एलिजिबिलिटी आपकी 12वीं पास होना चाहिए और 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी बच्चा यहाँ पे आवेदन कर सकता है। लेकिन पीटी 2024 वाला आप सारे बच्चे जरूर दे देना, क्योंकि जो भी वैकेंसीज अभी आप देखो तो यूपी ट्रिपल एससी में ही यूपी पीसीएल की वैकेंसी इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं, तमाम जो शिक्षा विभाग के हैं उनके वैकेंसीज को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों के समूह गा और घा की वैकेंसीज पे अपना हथकंडा अपना रही है और अपना वर्चस्व भी कायम कर रही है, और इस कारण से पीटी देना आप लोग के अनिवार्य है, ताकि आप लोग पछताओ मत। ये बात अलग है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या चाहिए, हम भी पीटी के खिलाफ हैं, आप भी पीटी के खिलाफ हो, ना हमें पसंद है ना आपको पसंद हो, हम भी पता है कि समय की बर्बादी है, आपको भी पता है समय की बर्बादी है, लेकिन 100 की सीधी बात सत्य यही है कि अगर पीटी आएगा तो दीजिएगा। मेरी बात चाहे बड़ा भाई मान के मानिए, चाहे गुरु मान के मानिए, या किसी भी तरीके से आप लीजिए, पीटी जरूर दीजिएगा। वो बात अलग है कि आगे क्या होता है देखा जाएगा, बट पीटी अगर आता है तो आप लोग पीटी अवश्य दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।